चलो तो हेलो, तो आज देखते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेक्टर। ठीक है, लीनियरली उसको बोला जाता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। उसका मीनिंग समझाऊंगा। ऑफ वेक्टर्स देखो, इसमें क्या होता है, फर्स्ट में लीनियर इंडिपेंडेंट देखो, इसके केस में क्या रहेगा, अगर टू वेक्टर्स है लीनियर इंडिपेंडेंस में, देखते हैं टू वेक्टर्स एग्जांपल में, टू वेक्टर्स है ए एंड वेक्टर बी। अब देखो अगर इसका डायरेक्शन इस तरह से है, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन, ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया। अगर इसमें एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर लिखेंगे और इसको राइट साइड में अगर जीरो ले, ठीक है, लिनियरली क्या किया है, इसको एक कॉम्बिनेशन में स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके रिप्रेजेंट किए हैं, एक्स इंटू ए वेक्टर प्लस वाई इंटू वी वेक्टर। अब दोनों का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, तो दोनों का डायरेक्शन है तो डिफरेंट होगा, तो कभी भी दोनों को सम करेंगे तो जीरो नहीं आएगा। इट मीन्स यहाँ से कंडीशंस, एक ही कंडीशंस हो सकता है, राइट साइड में तो जीरो है ना, नल वेक्टर है, जीरो वेक्टर, और नल वेक्टर इसको बोल सकते हो, है ना। तो लेफ्ट साइड में डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ, यहाँ बोल सकते हो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर डिफरेंट। तो कभी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे दो डिफरेंट डायरेक्शन वाले वेक्टर को, तो क्या जीरो होगा? इट मींस एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा एंड y इज इक्वल टू जीरो होगा। आई बात समझ में? x इज इक्वल टू जीरो होगा एंड y इज इक्वल टू जीरो होगा। अगर इसी में यहाँ पे नोट में लिखेंगे, समझ में आ गया बात? हेलो, यस सर, यस सर, दोनों क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में है, उसको स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किए हैं, दो ही दो वेक्टर्स के लिए ही एग्जांपल लिए थे ताकि वो दिखे। थ्री वेक्टर्स रहेगा, सारे क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्शन बट डिफरेंट प्लेन में भी होना चाहिए, दो सेम प्लेन में यहाँ पे हो जाएगा। थ्री वेक्टर्स के केस में क्या होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। तीनों को ऐड करेंगे तो क्या जीरो होगा, प्लेन भी अलग होना चाहिए, क्योंकि प्लेन में एक ही प्लेन में तीन वेक्टर्स रह जाएंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक ऐसा केस आएगा कि जीरो हो सकता है। समझ में आ रहा है ना, ट्राइंगल बनता है तो जीरो होता है ना जी। यस सर, हेलो, तो ऐसे बोल सकते हैं कि ए बी एंड सी वेक्टर्स हैविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड वन एटलीस्ट वन शुड बी इन डिफरेंट प्लेन। ठीक है, समझने के लिए, एटलीस्ट वन शुड बी इन डिफरेंट प्लेन। देखो वन शुड बी इन डिफरेंट प्लेन, तो तीनों को एक्स इंटू ए वेक्टर प्लस वाई इंटू बी वेक्टर प्लस जेड इंटू सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, एडवांस क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, ये सिर्फ क्या होगा, साइमल्टेनियसली होना चाहिए एंड में जेड इज इक्वल टू जीरो। देखो अगर तीनों एक ही प्लेन में होगा, तो तीनों एक ही प्लेन में होगा तो कुछ इस तरह के क्या बनेंगे, ट्रायंगल
बन सकता है, तो वहां पे तीनों का जीरो करोगे तो एक्स वाई और जेड क्या हो सकता है, जीरो नहीं भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये क्या होना चाहिए, डिफरेंट प्लेन में होना चाहिए। डिफरेंट प्लेन मीन्स किसी तरह का ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं होना चाहिए। अरे बस समझ में, ट्राइंगल फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो फॉर एन वेक्टर के लिए, ये फॉर थ्री वेक्टर के लिए था, अब फॉर एन वेक्टर, एन नॉन जीरो वेक्टर, क्या होना चाहिए, वेक्टर्स जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वेक्टर्स जीरो हो जाएगा तो जेड का वैल्यू कुछ भी लो, सपोज सी वेक्टर जीरो रहता और जेड का वैल्यू कुछ भी लेते तो वहां पे क्या हो जाता, यहाँ पे जेड का वैल्यू जीरो नहीं आता, रियल नंबर्स हो जाता। समझ में आ रहा, तो क्या होना चाहिए, एबीसी नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए। यहाँ भी ये जो बी है वो नॉन जीरो वेक्टर, एन वेक्टर्स के लिए लेंगे ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन वेक्टर्स, ये क्या है, वेक्टर्स हैं। और यहाँ पे एक्स इंटू ए वन वेक्टर प्लस वाई इंटू बी वन ए टू वेक्टर, या एक्स वाई ले लोगे तो दिक्कत होगा, इस तरह से लिख सकते हो, x1 into a1 वेक्टर प्लस x2 into a2 वेक्टर प्लस x3 into a3 वेक्टर प्लस डॉट 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 xn into an वेक्टर इज इक्वल टू जीरो है। राइट साइड में क्या है, नल वेक्टर है, क्योंकि लेफ्ट साइड में वेक्टर्स है तो राइट साइड में क्या होना चाहिए, वेक्टर्स ही होना चाहिए, किया गया है जीरो है तो ये नल वेक्टर हो गया। अगर सारे क्या है लीनियरली, जो वेक्टर्स हैं वो क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इट मींस क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू डॉट 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 xn इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। जैसे टू वेक्टर्स के लिए एग्जांपल बता दिए, थ्री वेक्टर्स के लिए अगर इस तरह के कंडीशंस बनेंगे तो वेक्टर, अगर सपोज क्या किए, किसी कंडीशंस में वेक्टर्स दिए हुए हैं, टू ही वेक्टर्स दिया हुआ है और टू वेक्टर्स को x1 स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किए फर्स्ट वेक्टर को और सेकंड को x2 से मल्टीप्लाई किए, देन उसको इक्वल टू जीरो कर रहे हैं, तो वहां पे कंडीशन आना चाहिए अगर x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू जीरो आ गया तो वेक्टर्स क्या हो जाएगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट। सपोज एग्जाम्पल में ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है और यहां से क्या किए, x into a vector plus y into b vector is equal to zero और इसको सॉल्व किए, ठीक है, यहां से सॉल्व किए, सपोज ij ij k के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, a1i plus b1j plus c1k के फॉर्म में ये हो गया, ये हाँ ठीक है, इसको b vector को लिखें तो a2i plus b2j plus c2k के फॉर्म में हो जाएगा। अब इसको x का वैल्यू फाइंड किए, y का वैल्यू फाइंड किए, अगर ये जीरो आ गया फाइनली, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। एक मिनट, हेलो क्लास, हाँ हाँ लेते हैं ना, ठीक, क्या हो जाएगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। समझ में आ गया ना, ओके okay. अब देखो सेकंड, यहां पे ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन आर एन नॉन जीरो वेक्टर्स, क्या है, नॉन जीरो वेक्टर्स होना चाहिए और एन डिफरेंट वेक्टर्स है। सपोज
एक्स वन इंटू ए वन प्लस एक्स टू इंटू ए टू वेक्टर प्लस एक्स थ्री इंटू ए थ्री वेक्टर प्लस डॉट 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 एक्स एन इंटू ए एन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। राइट साइड में क्या है? नल वेक्टर। अगर इस तरह के कंडीशंस बनाएं और सॉल्व किए तो एटलीस्ट क्या हो, एक भी वैल्यू नॉन जीरो आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? बोलो, इफ नॉन जीरो अगर आ गया तो इसको बोलेंगे लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट डॉट एक्स एन नॉट ऑल और जीरो देन वेक्टर्स ए वन ए टू डॉट 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 ए एन वेक्टर्स और linearly dependent vectors। देखो इसके conditions बता दूंगा two vectors के example लेकर, just उसका vice versa में समझना है। देखो दो vectors हैं, suppose एक vector इधर ये a vector हो गया और second b vector ले लिया, दो vectors हैं। तो अगर इसमें क्या करेंगे, first में x into a vector लिए plus y इंटू बी वेक्टर यहाँ पे किए तो ये जीरो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कुछ आ जाएगा, y का वैल्यू भी आ सकता है। x का वैल्यू वन आ गया तो y का वैल्यू हो सकता है कि दोनों का क्या होगा, लेंथ अगर इक्वल ले लेते हैं तो एंटी पैरेलल है तो x इज इक्वल टू वन लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस वन। तो उसके केस में क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाले जो लिखे हैं क्वान्टिटी वो जीरो हो जाएगा, इवन ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, थ्री वेक्टर्स ले लिए, इस तरह के केसेस बन रहे हैं। ए वेक्टर हो गया प्लस बी वेक्टर हो गया प्लस सी वेक्टर हो गया, ठीक है, डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, एक ही प्लेन में है। तो यहाँ पे अगर एक्स इंटू ए वेक्टर प्लस वाई इंटू बी वेक्टर प्लस जेड इंटू सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो है, तो एक्स का भी कुछ वैल्यू आ सकता है, वाई का वैल्यू आ सकता है और जेड का भी वैल्यू आ जाएगा। इसके केस में हो सकता है वन वन आ गया या एक का वैल्यू जीरो आ सकता है, दो हाँ ठीक है, जीरो तो नहीं आएगा, वन आ गया टू आ गया थ्री आ गया, समझ में आ रहा है ना, एक ही प्लेन में है तो एक कंडीशंस बनेंगे, ट्रायंगल बन जाएगा तो वहां पे एक्स वाई जेड का वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो वही लिखा है कि सारे क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर एक भी नॉन जीरो आ गया तो वो क्या हो जाएगा, एटलीस्ट एक से तो ज्यादा ही आएगा तो वो क्या हो जाएगा, लिनियरली डिपेंडेंट मीन्स लिनियर फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। आई बात समझ में? अगर सारे का डिफरेंट प्लेन्स रहेगा तो क्या हो जाएगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। हेलो, यस सर, यस सर, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर। हाँ तो एक प्रॉब्लम इस पे कर लो, चेक करके बताना है। क्वेश्चन है, हाँ ये ध्यान रखना कि थ्री वेक्टर्स नोट में लिख लो, थ्री वेक्टर्स आर डिपेंडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, वो प्लेनर वेक्टर, ये ध्यान रखना। ओके, एग्जाम्पल में भी बता दिए थे। क्वेश्चन चेक फॉर थ्री वेक्टर्स, ए वेक्टर इज इक्वल टू टू आई माइनस थ्री जे और प्लस के, बी वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के टू बी लिनियरली
इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, देखो तो चेक करके। चेक करके बताओ। यहाँ पे थ्री के कर लेना, चेक करके बताओ। चेक करने के लिए क्या यूज करना है, बन जाएगा ये बता दूं। जब भी चेक करना है किसके फॉर्म में ले जाना है, देखो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, थ्री वेक्टर्स है, बता दो ये बन जाएगा। एक और इसमें चेक कर लेना, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। फर्स्ट वाले क्या आया, फर्स्ट वाले क्या आया जी, नहीं समझ में आया कैसे चेक करना है, जो फर्स्ट वाले समझ में आया क्या करना है बोलो, सेकंड चेक करना क्या लिखेंगे, थ्री वेक्टर्स हैं तो x इंटू ए वेक्टर प्लस y इंटू बी वेक्टर प्लस z इंटू सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अब थ्री वेक्टर्स हैं, तीनों वेक्टर्स यहां पे लिख लो, क्या हो जाएगा फर्स्ट में x इंटू टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस थ्री के कैप प्लस वाई इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस जेड इंटू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, यही है प्रोसेस इज इक्वल टू जीरो। अब देखो यहां से क्या करोगे कि आई कैप वाले को साथ में रखो, तो आई कैप वाले साथ में रखोगे तो यहाँ आई कैप आ गया, तो यहां से क्या आ जाएगा ध्यान दो, x तो 2x प्लस y प्लस z इंटू क्या हो जाएगा आई कैप प्लस j कैप वाले को साथ में रखो तो माइनस 3x माइनस 3y प्लस z j कैप, ठीक है, प्लस के कैप वाले को साथ में रखो तो 3x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा के कैप हो जाएगा। तो थ्री वेक्टर्स आ गए i कैप j कैप k कैप, थ्री डिफरेंट वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब इसको जीरो बोला जा रहा है तो अब यहां से फाइंड करेंगे क्या 2x प्लस y प्लस z
इज इक्वल टू जीरो, यही होगा ना जी। आई कैप जे कैप है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। यस सर। इट मींस क्या होगा, जो कोफिशिएंट आ रहे हैं वो क्या होना चाहिए, मस्ट भी जीरो होना चाहिए। तो थ्री इक्वेशंस थ्री अननोन्स सॉल्व हो जाएगा, 3x minus 3z plus z is equal to 0, 3x plus y minus z is equal to 0, सॉल्व करो, क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड वाले में सॉल्व करो, z क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो दो इक्वेशन बनाना है, तो देखो दोनों को ऐड करो, तो फर्स्ट प्लस थर्ड यहां से जो आएगा 5x plus 2y is equal to 0. Then, क्या करोगे? Second plus third. क्या जाएगा? Okay, 3y होगा मेरे ख्याल से. Y is equal to क्या हो जाएगा? 0. That means, यहां से क्या लिख सकते हो? X is equal to 0. जब X is equal to 0, Y is equal to 0, तो Z is equal to भी क्या जाएगा? जीरो आएगा, पुट करोगे तो यस सर आ रहा था ये। एग्जैक्टली, इट मींस क्या हो गया, यहां से यही बोले थे ना कि x into a vector plus y into b vector plus z into c vector, इट मींस यहां से लिखेंगे x is equal to 0, ये भी है y is equal to 0 और z is equal to 0, तो जो स्केलर क्वांटिटी है वो क्या हो रहा है, जीरो। इट मींस वेक्टर्स क्या हो जाएगा, बोलो, linearly independent. हाँ, linearly independent vectors a b and vector c are ठीक है। एक और दिए थे क्वेश्चन, ये 12th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम है, सेकंड बोले थे, ये चेक करो, ये बोल दिया गया है, तो ये लिनियरली इंडिपेंडेंट, अब चेक करने आ जाएगा ना। यस सर। तो बताना है या रहने दूं इसको? सर रहने दीजिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करो, ट्राई करो इसको बनाने का, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया है, एक बार सोच करके अच्छे से बनाना। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस बीटा के कैप, आर लिनियरली डिपेंडेंट। वेक्टर्स एंड मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट थ्री, देन फर्स्ट ऑप्शन अल्फा इज इक्वल टू वन, बीटा इज इक्वल टू वन, सेकेंड ऑप्शन अल्फा इज इक्वल टू वन, बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, थर्ड ऑप्शन अल्फा इज इक्वल टू वन, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो अल्फा अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन कर लो, डी ऑप्शन अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, बीटा इज इक्वल टू वन, सॉल्व करो। जेई का क्वेश्चन पूछा हुआ है 1998 में, ओल्ड क्वेश्चन है, 1998 में पूछा गया था जी, ट्राई करो। कॉन्सेप्ट बताओ क्या होगा सर, कोप्लेनर होगा ना ये तीनों लाइंस? हाँ, लिनियरली डिपेंडेंट बोल रहा है,
तो कोप्लेनर वाले से इसमें अल्फा और बीटा के बीच में कोई इक्वेशन आ जाएगा और ये मॉडुलस ऑफ सी दिया हुआ है सी वेक्टर, तो उसके थ्रू एक इक्वेशन आ जाएगा, बन जाएगा ना। सॉल्व करके yes, बताओ कौन सा आएगा ऑप्शन। तो आगे बढ़ूं, सॉल्व करो जल्दी से बताओ। कोप्लेनर होगा, कोप्लेनर होगा इट मींस डिटरमिनेंट जो इसके कोफिशिएंट से बनेंगे उसको इक्वल टू जीरो करना है। देन मॉडुलस ऑफ सी, मॉडुलस ऑफ सी इट मींस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट में अगर दोगे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 होगा। क्या है आंसर बताओ। सर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या हो सकता है, सबका आ गया, किसी और का आया प्लस सर सही है आंसर नहीं पता है सर, वही होगा तो किसी और का आया आंसर। हेलो, कोई सॉल्व भी नहीं कर रहा है क्या। चलो डी ही होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन आया सर, प्लस माइनस और ए नहीं, ए तो ऑप्शन नहीं होगा सर, प्लस माइनस आएगा क्योंकि सर उसका स्क्वायर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो बीटा का वैल्यू 1 आ रहा है। ओके ठीक है, ठीक है आ जाएगा डी ऑप्शन ही, चेक कर लेना। एक डिटरमिनेंट का वैल्यू कर लोगे 0 1 1 1 4 3 4 देन 1 अल्फा बीटा, यहाँ से क्या आया था जीरो किया था तो इक्वेशन बोलो सर। इसमें डायरेक्ट बीटा इक्वल टू 1 आया, डायरेक्ट बीटा इज इक्वल टू 1 आया सर, अल्फा कट जाएगा इसमें 1 माइनस बीटा इक्वल टू, देन सही है डी ऑप्शन सही है, ठीक है बीटा इज इक्वल टू 1 तो अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है ओके यस सर। तो नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स इन 2D एंड 3D, ये तो 2D का पता ही है, 3D का भी मेरे ख्याल से पता ही होगा, पढ़ चुके होंगे अभी तक। सपोज एक वेक्टर हो गया O P वेक्टर, राइट, OP वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर एज्यूम कर लिया, तो इसका जो ये कंपोनेंट होगा x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस, 2D कार्टेशियन सिस्टम लिए हैं तो x एक्सिस, तो अब ये बताओ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। ये कंपोनेंट देख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर ये थीटा ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A cos थीटा, और यहां पे देख रहे हैं ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन, ठीक है। इसी को क्या लिखा जा सकता है, आई कैप और जे कैप में लिखना चाहोगे तो बोलो। देखो अगर ये इसी वेक्टर को लिख रहे हो, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर cos थीटा i कैप
प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए साइन थीटा जे के, लिख सकते हो ओपी इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। अगर ये लिखते हो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? हेलो, ये पूरे कंप्लीट क्या हो गया, एक्स हो गया, आई कैप को हटा दो तो ये एक्स वैल्यू हो गया और ये वाले वाई हो जाएगा। ठीक, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर इसी को 3D में देखते हैं तो 3D में, 3D में डायरेक्टली लिख देता हूँ वो एक्स किसी भी वेक्टर को, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये क्या है, एक्स कंपोनेंट आएगा, एक्स एक्सिस में उसका प्रोजेक्शन, वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर ऑन एक्स एक्सिस। आई बात समझ में? वाई के लिए देखेंगे तो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन वाई एक्सिस। सिमिलरली क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन जेड एक्सिस। ठीक है, आई बात समझ में? प्रोजेक्शन देखते हैं, यहां भी क्या है, बेसिकली एक्स हो गया तो एक्स क्या है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कॉस थीटा, तो प्रोजेक्शन ही देख रहे हैं वहां पे, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा वो तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा। जो एंगल लिया जाता है बेसिकली पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाता है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल अगर बनता है सेकंड क्वाड में जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। अरे बात समझ में, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है प्रोजेक्शन, लेफ्ट साइड में ओरिजिन की हो जाता है। अगर इसको दिखाना चाहोगे तो बहुत सिंपल है, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। तो किसी भी रैंडमली एक वेक्टर लोगे, ठीक है, इस तरह से वेक्टर लिए हैं, ये पी हो गया, तो इसी आर वेक्टर को लिखे हैं यहाँ पे, ठीक ना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, उसका थ्री कंपोनेंट एक्स के साथ जाएगा, वाई के साथ जाएगा और जेड के साथ जाएगा। वो क्या है, 3D में है स्ट्रक्चर, 2D में नहीं है, ये XY प्लेन में P वेक्टर नहीं लिखे हैं, क्या है वो 3D में है, सम कुछ एंगल्स पे होंगे Y एक्सिस X एक्सिस और Z एक्सिस से, ठीक है, किसी पर्टिकुलर वो प्लेन में नहीं है। चलो, तो अगर वेक्टर्स को देखो, सपोज ये क्या हो गया, एक वेक्टर्स हो गया, R वेक्टर हो गया, ठीक है, x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब देखो इसी को क्या करेंगे, प्रोजेक्शन उसका ले रहे हैं, तो यहाँ पे अगर जो 2D है कार्टेशियन सिस्टम, अगर उसको रोटेट भी कर दिया जाए थीटा से, तो जो लेंथ ऑफ यहाँ पे क्या हो, ये x डैश मान लो और इसको y डैश मान लो, तो क्या क्या गया है, यहाँ पे एक्सिस को रोटेट कर दिया गया है, तो एक चीज कॉन्स्टेंट रहेगा, लेंथ लेंथ ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट होगा, होगा जी, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर रिमेंस सेम होगा। अगर रोटेट कर रहे हैं तो इसके क्या होगा, कैपिटल जो न्यू सिस्टम बन रहा है उसके रिस्पेक्ट में उसका लिखेगा प्रोजेक्शन, लेकिन वहां से भी उसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम ही आएगा, वेक्टर्स का लेंथ इंक्रीज नहीं करेगा, मींस मैग्नीट्यूड रिमेंस सेम ही रहेंगे। अगर दो वेक्टर है, सपोज ये पोजीशन वेक्टर है, यहाँ भी पोजीशन वेक्टर है, ए पोजीशन वेक्टर है और ये बी पोजीशन वेक्टर है, अगर इसका लेंथ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं तो बताओ क्या होगा,
आई बात समझ में? यस सर। अगर एक्स वन वाई वन जेड वन है, एक्स टू वाई टू जेड टू है, इवन टू डी में भी रहेगा तो इसका जो लेंथ आएगा मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, वेक्टर यहां से क्या बनेगा? अगर ए वेक्टर मान रहे हैं तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप बनेगा। दो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर सेपरेटली लिखोगे तो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, ए वी वेक्टर मिल जाएगा। आई बात समझ में? दिस इज इक्वल टू ए वी वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बताओ, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर आ जाएगा। होगा ये सो नो, टू डी में होगा। यस सर। तो सिमिलरली इसी तरह से ही करेंगे, टू डी में कोई पॉइंट रहा एक्स वन आई प्लस वाई वन जे और ये एक्स टू आई प्लस वाई टू जे, तो लेंथ या मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। आई बात समझ में? क्या करेंगे, ए बी वेक्टर फाइंड कर लेंगे। ठीक है बोलो। यस। पोजीशन वेक्टर है तो इस तरह से, अभी एक क्वेश्चन लिख लो, थ्योरी पढ़ाते कब का खत्म हो जाता है, क्वेश्चन लिख लेना। ए वेक्टर ए हैज कंपोनेंट टू पी एंड वन विथ रेस्पेक्ट टू ए रेक्टेंगुलर पार्टीशन सिस्टम, दिस सिस्टम इज रोटेटेड बाय फाइव बाई सिक्स एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विथ रेस्पेक्ट टू न्यू सिस्टम components of vector A component of vectors A is यहाँ क्या लिखे थे, 2p and 1, यहाँ पे लिख लो p plus 1 and 1, p plus 1 and one, then A option P is equal to 0, B option P is equal to 1 minus 1 by 3, C option P is equal to minus 1 comma 1 by 3, P is equal to plus minus 1 D option। Find करना, बताओ क्या होगा। वही कंपोनेंट मींस क्या बोला गया है, उसका एक्स एंड वाई जो कंपोनेंट आएगा, प्रोजेक्शन को ही क्या बोला जाता है, कंपोनेंट। यहाँ पे क्या हो गया, इसी को क्या बोलेंगे, एक्स कंपोनेंट, ये हो जाएगा वाई कंपोनेंट। बताओ आंसर क्या आएगा, x एंड y कंपोनेंट दिया हुआ है,
सर वो टी लिखे हैं, टू पी एंड टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. नहीं नहीं वन है, वो वन है, वो वन है, पी प्लस वन एंड वन. आंसर बताओ क्या होगा. कॉन्सेप्ट तो पता ही है. क्या आएगा जी आंसर बताओ. बोलो ए वेक्टर ए हैज कंपोनेंट टू पी एंड वन विथ रिस्पेक्ट टू ए रेक्टेंगुलर सिस्टम. दिस सिस्टम इज रोटेटेड पाई बाई सिक्स एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू न्यू सिस्टम कंपोनेंट ऑफ ए. ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा तो उसका जो बताया पी प्लस वन होगा एंड वन होगा. बनेगा ठीक है. ये पाई बाई सिक्स हो गया. चलो ये वेक्टर तो यहां पे जो कंपोनेंट है इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा. ये पी है एंड इसके रेस्पेक्ट में वन है. सेकेंड केस देख रहे हैं कि कंपोनेंट चेंज हो जाता है न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के केस में. यहाँ पे इस वाले वैल्यू को बोला है पी प्लस वन एंड ये जो वैल्यू आएगा स्टिल कितना रह जाता है वन. ठीक है तो दोनों के केस में जो लेंथ होगा ओरिजिन पे ये 0.0 है तो एक के केस में क्या है पी वन है ये 0.0 हो गया. सेकेंड केस में पी प्लस वन एंड वन है और ये 0.0 पे ही एक एंड फिक्स्ड रहेगा. यही है ना टू पी एंड पी प्लस वन. यहाँ पे टू पी है. हाँ बताओ इसमें कुछ दिक्कत समझ में आया. हेलो सर. ओके तो लेंथ दोनों में क्या हो जाएगा दोनों में मैग्नीट्यूड सेम होगा. वेक्टर ए ही है यहाँ भी वेक्टर ए ही है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा. तो क्या लिखेंगे 2p माइनस 0 का ये वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे ना. तो वेक्टर अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा बोलो. तो 2pi कैप. हाँ 2pi कैप प्लस j कैप. इसके लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा p plus 1 i कैप प्लस जे कैप. अब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा. तो मैग्नीट्यूड सेम कर लो 2p का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. अब स्क्वायर रूट में दोनों का वैल्यू सेम है स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो यहां से क्या आ जाएगा 2p का होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू पी प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन. कैंसिल आउट होकर के देखो क्या आ जाएगा 4p स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस वन इज सॉरी यहाँ से क्या हो जाएगा बोलो 3p स्क्वायर माइनस 2p प्लस वन इज माइनस वन.
होगा जीरो, राइट। तो इसको लिखेंगे 3p² - 3p + p - 1 इज इक्वल टू जीरो। फैक्टराइज कर लेंगे तो 3p, राइट, 3p + 1 इंटू क्या आ जाएगा p - 1 इज इक्वल टू जीरो। p इज इक्वल टू 1 और -1/3। नहीं समझ में आया? हेलो सर, आ गया सर, आ गया सर। नेक्स्ट बनेगा तो समझ में तो आएगा ही। चलो इतना तो आ रहा है ना सर, बना ही लिए थे आंसर। खाली वो क्या थे, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं वेक्टर i कैप प्लस xj कैप प्लस 3k कैप इज रोटेटेड, रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा। And is double in magnitude. Then it becomes बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर सीधा सीधा सोचोगे तो क्या होगा, बहुत टफ दिखेगा, बनेगा ही नहीं। बिकम्स 4i cap + 4x - 2j cap + 2k cap, then value of x is 4 option है, a option -2/3, 2, b option 1/3, 2, c option 2/0, d option 2, 7। बनेगा? कॉन्सेप्ट बताओ क्या है इसमें। एक बार सोचो जल्दी से और उसके बाद बताओ। बोलो वेक्टर i कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस थ्री के कैप इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा। एंगल से क्या किया जाता है, वेक्टर को रोटेट कर दिया जाता है, राइट, एंड इज डबल्ड इन मैग्नीट्यूड। तो देखो वेक्टर दिया हुआ है, तो वेक्टर को बोले हैं कि कहीं भी पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। तो वन एंड को कर दो क्या, ऑरिजिन पे फिक्स कर दो। सेकेंड क्या हो जाएगा, वो पोजिशन वेक्टर की तरह ट्रीट होगा, स्टिल वो क्या हो जाएगा, जस्ट उसका क्या किया है, पैरेलली शिफ्ट किए हैं। तो पैरेलली शिफ्ट करेंगे, डबल क्या रोटेट करते हैं और देन उसको मैग्नीट्यूड वाइज क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो जो वेक्टर है वो दे दिया है कि 4i + 4x - 2j cap + 2k cap बन जाता है। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बताओ क्या होगा कॉन्सेप्ट सर, इसमें क्या आते हैं, जो पहला वाला वेक्टर दिया है उसका दो गुना करेंगे और इक्वल कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से। हाँ एग्जैक्टली, इसमें जो होगा कि शुरू में ये वेक्टर दिया हुआ है i कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस थ्री के कैप, अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो ये क्या होना चाहिए, 2 times of this = क्या हो जाएगा, 4i cap + 4x - 2j cap + 2k cap, यही होगा ना जी। बोलो, डबल किया जाता है मैग्नीट्यूड को, सिंपल एक्स का वैल्यू फाइंड कर लो। ये 2002 में पूछा गया था, ठीक है। बन जाएगा, यस सर बन जाएगा, सिंपल है ना, ऑप्शन आ जाएगा, यस सर। ओके नेक्स्ट देख लेना आंसर क्या आता है। जो इसके बाद स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, इसमें देखो क्या होता है,
टू वेक्टर्स होते हैं, ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, सपोज ये थीटा हो गया, तो स्केलर प्रोडक्ट इसमें लिख लेंगे टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है, देन देन स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ये तो पता है ना जी क्या होता है, गिवन yes, बाय बोलो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, जी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, बोलो कॉस थीटा, थीटा क्या होगा एंगल बिटवीन, वेक्टर ए एंड बी, आई बात समझ में। तो थीटा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे थीटा का वैल्यू बोलो क्या क्या हो सकता है, जीरो टू 180 डिग्री होगा, यही लेंगे ना, जीरो टू 180 डिग्री। तो देखो जब जीरो टू 180 डिग्री थीटा इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो गया, मीन्स ए डॉट बी डॉट, ए डॉट बी डॉट की सॉरी ए डॉट वेक्टर, ए डॉट वेक्टर बी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो। ठीक है, इसके केस में वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, इस तरह से लिख लो। अगर परपेंडिकुलर वेक्टर है तो क्या हो जाएगा, ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये याद रखना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो होगा, ऑलवेज ये चीज याद रखना, वहां पे प्लस माइनस वन हो सकता है, ए डॉट बी, ए डॉट वेक्टर बी इसका वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है। आई बात समझ में, निगेटिव कब आएगा, जब थीटा का वैल्यू 90 to 180 डिग्री होगा। ओके, पॉजिटिव कब आएगा, थीटा का वैल्यू 0 to 90 होगा, जीरो कब आएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्लियर है ना, तो जब थीटा इक्वल टू, देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर में देखते हैं, सपोज इसको एक्स लिख लिए, ये वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस हो गया, इधर आई कैप हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा और ये के कैप हो जाएगा, तो आई डॉट जे क्या हो जाएगा जी, जीरो होगा, जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू जीरो, आई कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू जीरो होगा कि नहीं, हेलो yes. तो ये ध्यान में रखना, 90 डिग्री होगा वेक्टर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, तो ये चीज याद रखना। अब देखो सपोज दो वेक्टर है, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, ठीक है, सपोज ये थीटा एंगल हो गया, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, प्रोजेक्शन मींस क्या होगा, मैग्नीट्यूड का बात बोल रहा है, प्रोजेक्शन मींस ये क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, बोलो, देखो सिंपली क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर जिस पे प्रोजेक्शन डालना रहता है,
क्या करेंगे, परपेंडिकुलर उस पॉइंट से जो टर्मिनेटिंग पॉइंट रहेगा उससे सेकेंड वाले वेक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब ये इसका जो मैग्नीट्यूड होगा लेंथ का वो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए। तो सिंपली लिख सकते हैं वेक्टर ए कॉस थीटा, यही होगा ना प्रोजेक्शन ऑन बी, होगा कि नहीं? यस सर, होगा ना। अब देखो इसी को लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, लिख सकते हैं यस और नो? यस सर, यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके देखो अब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, बताओ क्या होगा? तो ये ध्यान में रखना फॉर्मूला के रूप में जो होता है वो सेकेंड डॉट प्रोडक्ट की तरह जो होता है वो ध्यान में रखना ये वाले, ठीक है। ये बताओ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, सिंपली मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा ही बन रहा है ना। यहां से क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे और ये प्लॉट करेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा जाएगा, समझ में आया, बी ऑन ए तो मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा होगा। इसी को लिख सकते हैं ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय, बोलो मैग्नीट्यूड ए नहीं होना चाहिए तो मैग्नीट्यूड ए से डिवाइड कर देंगे। अरे ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ए से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, तो मैग्नीट्यूड ए से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बताओ, मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा होगा, वही तो लिखा हूं वहां पे, यस सर, क्लियर है ना। अब देखो सपोज इस तरह से है, ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है। अब ये ए वेक्टर हो गया तो अब बी वेक्टर के डायरेक्शन में बोलेगा कि ए वेक्टर लिखिए, तो क्या करेंगे बताओ, इसका मैग्नीट्यूड राइट द वेक्टर ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, तो क्या करेंगे मैग्नीट्यूड ए से मल्टीप्लाई कर देंगे किस में, यूनिट वेक्टर ऑफ बी में, आई बात समझ में? ये क्या हो जाएगा बेसिकली बी कैप हो जाएगा, यही ना, मैग्नीट्यूड ए का फाइंड करेंगे और बी में बी कैप में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड तो ए वेक्टर का रह जाएगा और डायरेक्शन किसका आ जाएगा, बी वेक्टर का, तो राइट द वेक्टर ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, समझ में आ गया? तो ये समटाइम्स यूज किया जाता है इसलिए बता दिया हूं, बाकी ये फॉर्मूला याद रखना, हो जाएगा यार। हेलो, यस सर, ओके, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो वो ध्यान में रखना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड में हो जाता है, कॉस थीटा आ जाता है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है ना, होगा कि नहीं? होगा सर, यस सर होगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए
डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। अब देखो समटाइम्स कंडीशन अगर इफ दिया हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो तो क्या बोलेंगे वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी बोल सकते हैं यस और नो? यस सर। ओके और ये तो ऑलरेडी बता चुका हूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर होगा कि नहीं बोलो। ठीक है और ये तो देन ए प्लस माइनस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ दिस इज इक्वल टू क्या करना है ये वाले फॉर्मूला यूज करना है तो बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस माइनस 2a डॉट वेक्टर b। ठीक है हेलो एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा ये हो जाएगा डायरेक्टली याद रखना ये सब चीजें हो जाएगा यस सर हो जाएगा। ओके देन वेक्टर a प्लस वेक्टर b इनटू वेक्टर a माइनस वेक्टर b अगर इस तरह के केसेस आ रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर लिखेंगे यस और नो? यस सर। ओके समटाइम्स केसेस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस का स्क्वायर इनटू है डॉट नहीं है ठीक है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू बोलो क्या होगा देखो इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड ये डॉट प्रोडक्ट अच्छा इनटू में है यहाँ पे देन इतना ही करो सॉल्व करो इसको क्या आएगा बोलो ये फाइनली जो आएंगे वो देख लेना टू टाइम्स वेक्टर ए स्क्वायर प्लस टू वेक्टर बी का स्क्वायर ठीक है देख लेना यही आएगा रिजल्ट इसको ध्यान में रखना बहुत रेयरली यूज होगा बट स्टिल अगर मेमोराइज करने में सफल हुए तो याद रखना इसको ठीक है इफ ए प्लस बी वेक्टर इसको एक्सप्लेन करके देख लेना खुद इज इक्वल टू ए माइनस बी अगर इस तरह से है तो ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी आएगा इस तरह की कंडीशन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी तो यहां से अगर करोगे तो ये बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस टू ए टू इंटू ए डॉट बी वेक्टर ठीक है इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाले राइट साइड आएंगे तो ए डॉट बी फोर टाइम्स में इज इक्वल टू जीरो इट मींस परपेंडिकुलर हो जाएगा यस और नो? हेलो बोलो यस और सर हो जाएगा सर ठीक है इसके बाद एक प्रॉब्लम लिखो
let a vector is equal to 2i cap minus j cap plus k cap, b vector is equal to I cap plus 2j cap minus k cap, and c vector is equal to I cap plus j cap minus 2k cap, b3 vectors a vector and the plane of vector b and vector c whose projection on vector a is of मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है, मैग्नीट्यूड 2/3 स्क्वायर रूट में, तो यहाँ पे पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो जो वेक्टर है लेट ए बी एंड सी वेक्टर, थ्री वेक्टर्स, ए वेक्टर आर, ठीक है, ए वेक्टर आर इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी, देन आर वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन लिख लो, 2i plus 3j cap minus 3k cap, b ऑप्शन 2i cap plus 3j cap plus 3k cap, c ऑप्शन minus 2i cap minus j cap plus 5k cap, d ऑप्शन 2i cap plus j cap plus 5k cap, ठीक ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेईई एडवांस में ही पूछा गया है, लेकिन वो 2005 पूछा गया है। चलो बनाओ, बनेगा, ये सुनो क्या है, इन द प्लेन, तो अगर प्लेन में ए वेक्टर है और अगर बी वेक्टर है, ठीक है, और इसी प्लेन में आर वेक्टर एज्यूम करना है, इन ये ध्यान रखना प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी, तो इस तरह से एज्यूम करना आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर और बी वेक्टर प्लस लैम्डा ए वेक्टर, इस तरह से, तो ये ध्यान रखना, तो लैम्डा ए प्लस म्यू बी रखोगे तो उसमें वेरिएबल्स ज्यादा हो जाएंगे, इसीलिए इस तरह से एज्यूम कर सकते हो। बताओ क्या होगा आंसर, बताओ सॉल्व करके, जल्दी से बताओ, ये सॉल्व कर दूं, बन जाएगा, बताओ यार, ये लास्ट ही है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये सुनो, बोलो क्या करना है, आर वेक्टर इज इक्वल टू, बता दो R is equal to R, A and B के प्लेन में होना चाहिए ही ना, एक मिनट, हाँ B and C, तो क्या लिखेंगे, A vector is equal to, बोलो क्या है A vector, A vector is equal to जो given है 2i cap minus j cap plus k cap, B vector is equal to i cap plus 2j cap minus k cap, and c vector is equal to i cap plus j cap minus 2k cap, ठीक है, तो r vector है ये plane of b and c, तो क्या करेंगे, this is equal to b plus lambda c,
दिस इज इक्वल टू आई प्लस टू जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, वन प्लस लैम्डा आई कैप प्लस टू प्लस लैम्डा जे कैप प्लस माइनस वन माइनस टू लैम्डा के कैप होगा। यस और नो? यस सर। ओके, देन इसके बाद क्या बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ो। कुछ प्रोजेक्शन ऑन ए इज ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का वैल्यू दे दिया है। तो प्रोजेक्शन ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन ए, मैग्नीट्यूड लिख लो, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन ए इज इक्वल टू 2/3, राइट। अब यहां से क्या करेंगे, प्रोजेक्शन करना है तो आर का प्रोजेक्शन ए पे लेना है। तो बताओ फॉर्मूला क्या लिखे थे, आर डॉट ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड बोल रहा है, तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ सकता है ना जी। 2/3 नहीं समझ में आया, अब बन जाएगा, यस सर, सॉल्व कर लेना। मेरे ख्याल से इसमें ए और सी दोनों ऑप्शन आएगा, चूंकि प्लस माइनस में जाएगा ना, दो ऑप्शन आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। ए और सी या बी सी दोनों आंसर आएगा प्लस माइनस में। ठीक ओके, ए सी ठीक है, देख लेना, अगर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑप्शन बन जाएगा आर डॉट ए, बनेगा कि नहीं, जैसे ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप रहा, और बी वेक्टर इज इक्वल टू ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप रहा। तो ये ध्यान रखना कि इसमें ए डॉट बी जो फाइंड करोगे वो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, और जो भी रहेंगे वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मींस इसमें आई कैप का आई के साथ क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा। जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू वन, के कैप टू के कैप इज इक्वल टू वन, क्यों, फॉर्मूला यूज करो, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, दोनों के बीच के एंगल कितना है, कॉस जीरो डिग्री, दोनों पैरेलल है तो जीरो डिग्री, तो वन इंटू वन इंटू वन इज इक्वल टू वन। सिमिलरली जे जे कैप डॉट जे कैप के साथ वन हो जाएगा, सेम तरह से कॉन्सेप्ट यूज होगा, के कैप डॉट के कैप के साथ सेम तरह के कॉन्सेप्ट होगा, तो वन वन हो जाएगा। जो भी अदर जो आएंगे प्रोडक्ट फॉर्म में वो आई डॉट जे कैप आएगा या जे डॉट जे कैप डॉट के कैप आएगा, ये सब सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ये बता चुके हैं आई आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू आई कैप डॉट के कैप, ये सब क्या होते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो ये फाइनली आ जाएगा। तो डायरेक्टली याद रखना कि आई कैप वाले कोफिशिएंट को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जे कैप वाले कोफिशिएंट को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो प्लस माइनस रहेगा वो एडजस्ट कर जाता है, साथ में ले लेते हैं, और के कैप के साथ जो कोफिशिएंट रहते हैं उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। बाकी ट्राई करना इसको बनाने का, बन जाएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करते हैं। और होमवर्क में लिख लो, होमवर्क में नेक्स्ट क्लास का है स्नेहा, शायद सैटरडे को है, सैटरडे इसका ओके। अभी बेसिक असाइनमेंट ही बना लेना,
नेक्स्ट क्लास में उधर होगा बेसिक असाइनमेंट। कल ही है सर क्लास। अभी तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ट्वेंटी थ्री बेसिक असाइनमेंट टू का अप टू 23 असाइनमेंट टू अप टू 23 ठीक है। एक बार देख लेना फिर से क्या नोट्स भेज दूंगा। कल का नोट्स नहीं ना गया है? नहीं सर। ओके चलो ठीक है। क्या